नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ तंजू जी हैं जो 15-16 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए। इनके साथ सीधी बातचीत आपको करवाते हैं। अंजू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप 15-16 सालों से आ रही हैं मैम डेरा सच्चा सौदा में। हाँ जी। कितना विश्वास करती हैं मैम गुरु जी के ऊपर? बहुत से ज़्यादा दृढ़ विश्वास है, बहुत ज़्यादा। उनके अलावा मतलब जो कुछ भी है वही है हमारे लिए सब कुछ। आज मैं खुद अपनी बेटी का एडमिशन भी यहाँ पे शाह सतनाम जी स्कूल में करवाया है, हॉस्टल में अभी छोड़ कर ही आई हूँ उसे। मैम, हॉस्टल के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा था, क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ से ज़्यादा सेफ लड़कियाँ कहीं है नहीं। बाहर रहकर हम फिर भी नहीं ख्याल रख सकते जितना यहाँ पर उनको ख्याल रखा जाता है हर चीज़ का। कोई मतलब लोग बाहर रहकर तो बच्चे जैसे टीवी मोबाइल हर चीज़ में लगे रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गाइडेंस ही दी जाती है, पिताजी के मतलब वचनों के अनुसार यहाँ पे चला जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, बच्चा सेल्फ डिपेंड होना सीखता है। और इससे ज़्यादा माँ बाप को और क्या चाहिए। मैम, आश्रम में भी काफ़ी बातें दिखाई जा रही थी आश्रम के बारे में, आप भी आश्रम में आ रहे हो 15-16 सालों से, आप क्या बताना चाहोगे? सच क्या है, उन खबरों की सच्चाई क्या है? सच्चाई तो एक मतलब जो प्रेमी होता है, जो अगर अपने मेडिटेशन कर रहा है, जो दृढ़ विश्वास है मालिक के ऊपर, अगर हमने उसको अंदर से सच्चाई को देखा है तो हम दुनिया की बातों में आएंगे, क्यों? दुनिया तो कुछ भी बोलती रहती है, लेकिन जिसने देखा है, जाना है, जिसको सब कुछ मिला है, ये तो वही समझ सकता है। आप दुनिया को क्या बताओगे, क्योंकि दुनिया ने जो देखा वो मीडिया के द्वारा देखा है, आप यहाँ पर आते हो, आप क्या कहना चाहोगे? मीडिया ने तो जो दिखाया दुनिया ने देखा है, लेकिन मीडिया ने सब सच तो दिखाया ही नहीं है। उन्होंने तो जो उनको लगा, जो बातें हुई उनको बढ़ा चढ़ा कर ही बताया गया है। जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं सरासर झूठ है। सच क्या है फिर, गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर तो मतलब पिताजी से भी एक जो बाप जो जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखता है ना, उससे भी बढ़कर उन्होंने अपने करोड़ों साथ संगत का ख्याल रखा है, रख रहे और रखते भी रहेंगे हमेशा। उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया है? समाज में उन्होंने इतने सारे मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, मतलब गरीबों के लिए, और जो उनकी शादियां करवाना, अनाथ बच्चों को आश्रम देना, पढ़ाई करवाना, सब मतलब जितना भी क्या कहते हैं एक मानवता भलाई के कार्य ना, वो हर कोई कार्य ऐसा ना होगा जो डेरा सच्चा सौदा में नहीं होता। क्या आज आपको लगता है समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, गुरु के बिना तो समाज कुछ है ही नहीं। 3-4 सालों से क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? ये सबकी अपनी परख है, लेकिन हाँ कुछ लोग हटे, लेकिन हद से ज़्यादा लोग जैसे अभी तक जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े ही हुए हैं, दृढ़ विश्वास उनका बना ही हुआ है। कुछ एक आधी मतलब 100 में से 90% लोग तो अभी तक डेरा से जुड़े ही हुए हैं। कुछ ही परसेंट लोग हैं जो भी लोगों के बहकावे में आकर हट गए हैं, या उनको उनका दृढ़ विश्वास नहीं था गुरु जी के ऊपर इसलिए वो हट गए हैं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? यही कि सच्चाई को जल्दी से जल्दी सामने लाया जाए और गुरु जी को बाहर भेजा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पब्लिक की अपील की जा रही है कि संत जी समाज में वापस आने चाहिए, लगातार मांग हो रही है सेंट्रल गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई। सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।